हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब फाइंड फॉर्मूला हमारे लिए है पहले से ही, तो सर्च की क्या जरूरत, सर्च फॉर्मूले की क्या जरूरत, इसी की बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन भाई सूरज सर, ये लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि यहां पर फाइंड फॉर्मूले का यूज करना है। आइए देखते हैं फाइंड फॉर्मूला का कैसे काम करता है। तो यहां लिखा मैंने फाइंड, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहां पर पहले मैं इसे हटा देता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं किसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें फाइंड करना, जैसे मान लीजिए हम एस को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं और इसे रेड में कर देता हूं। तो ये देख सकते हैं इसी एस को हमको खोजना है, ठीक है। बाकी कोई एस नहीं खोजना, इसी एस को खोजना है, ये वाला एस नहीं खोजना आपको। तो यहां पे इज इक्वल टू फाइंड लगाइए, ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला ये आ गया है। अब यहां पर हमको खोजना किसको, जिसको भी खोजना है उसको डबल ट्रिट कोर्ट्स में लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये एस लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पर कैपिटल एस लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहां स्मॉल एस दिया हुआ है, ठीक है। कहां से मिलेगा ये, इसी में से तो मिलेगा हमको। तो यहां पर कॉमा दे देंगे, कितने के बाद, मतलब अब गिनती शुरू कीजिए, कितने शब्दों के बाद, कितने अक्षर के बाद ये हमको एस मिलेगा। तो एक के बाद कहीं भी हमको ये एस मिल जाएगा। इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये कह रहा है कि 30 नंबर पे हमें एस मिल रहा है। आइए काउंट करते हैं 30 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गैप 9 और ये एंड 10, फिर ये गैप 11 12 13 14 15 16 17, ये गैप 17 हो जाएगा और ये एस जो है 18 हो जाएगा। 19 20 21 22 23 24 25, और ये गैप 26, ये बी 27, ये वाई 28, ये गैप 29 और ये एस 30। यानी ये इस एस की बात कर रहा है, ये हमने जो सेलेक्ट किया उस एस को तो ढूंढ ही नहीं रहा है। कारण क्या है, कारण आपको बताता हूं। पहले इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये बात पता चलती रहे कि इसमें कहां से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसे मैंने येलो कलर कर दिया है, आप देख सकते हैं ये। तो ये वाला यस ये फाइंड कर रहा है, कारण क्या है इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूं। यहां से अगर मैं F2 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर स्मॉल एस लिखा है हमने, ठीक है, पहले ही मैंने दिखाया था। अब अगर कैपिटल एस लिख देते हैं तब ये हमें ढूंढ करके देगा वो वाला, नहीं तो ये ढूंढेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम है फाइंड फॉर्मूले के साथ, ठीक है। जबकि हमने दिया है कि पहले से स्टार्ट करके, यानी सी से स्टार्ट करिए और आगे जहां पर भी आपको एस मिले उसी को हमें बता दीजिए, लेकिन ये नहीं बता रहा है। कारण यही है कि ये जो है स्मॉल लेटर यहां पे हमने टाइप किया था, अगर मैं कैपिटल लिखता हूं तो ये तुरंत बता देगा। तो यहां पे देखिए कैपिटल लिखा मैंने और यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो ये 18 नंबर पे बता रहा है। तो देखिए ये 18 नंबर पे है, ठीक है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये 18 नंबर पे तो हमें दिखाई रहा है, लेकिन ये केस सेंसिटिव फॉर्मूला है। फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर प्लस में लिखेंगे, सॉरी कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में ही आपको टाइप करना पड़ेगा, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल ही टाइप करना पड़ेगा। लेकिन सर्च के साथ ये कहानी नहीं है, सर्च दोनों ही को सर्च कर पाने में कंफर्टेबल है, इसीलिए तो सर्च फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब यहां पे कह रहा है फाइंड विद इन टेक्स्ट, तो मैं यहां पे अभी कैपिटल में था तो स्मॉल ही लिख देता हूं, ठीक है। 18 नंबर पे है, यहां पे देख ही रहे हैं आप। अब ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा देता हूं, एक के बाद कहीं भी एस आया हो तो हमें बता दीजिए। तो ये कह रहा है 18 पे आया है, तो देखिए ये तो बता दे रहा है कि 18 पे आया है, लेकिन यहां पर अगर मैं फाइंड का फॉर्मूला यूज कर रहा था तो वो इसे पकड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। अगर मैं यहां पे 18 के बाद कर देता हूं, जैसे इस फॉर्मूले को एडिट कर देता हूं, ठीक है, देखेंगे तो जैसे ही 19 करेंगे तो यहां 30 नंबर आ जाएगा। देखिए यहां 30 नंबर आया है कि नहीं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। तो फाइंड फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है जबकि सर्च फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।